आप पागल हो क्या? मैं ट्यूशन के लिए लेट हो जाऊंगा, जल्दी चलो। अरे बेटा क्या करूं, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं, घुटनों में दर्द होता है बेटा, तेज नहीं चल सकता। अरे तो चुप हो जाओ ना, मम्मी सही कहती है, हमने एक बूढ़े बैल को बांध रखा है, कुछ नहीं होता आपसे, आप किसी काम के नहीं हो। चलो आप रुक क्यों गए, चलो ना। हाँ ठीक है बेटा, चलो चलो सर। अरे सर आप पड़ोसी। गुड आफ्टरनून बेटा, ये कौन है? ये हमारे प्रिंसिपल साहब। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी, आप इसके दादाजी हैं? जी। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ। और आपका नाम क्या है? तो राघव बेटा, ये आपका बैग आपके दादाजी ने क्यों पकड़ा हुआ है? जी वो बच्चा है ना, बैग बहुत भारी है, थक जाता है। देखिए सर, आप मेरे पिता समान हैं, थक तो आप भी इस उम्र में बहुत जाते होंगे, पर रही बात बच्चों की, तो बच्चों में तो काफ़ी एनर्जी होती है, उन्हें हमें काम करने देना चाहिए। और राघव बेटा, आप अपना काम अपने आप किया करो, और दादू के साथ ऐसे बातें नहीं करते। लेकिन मम्मी पापा ही कहते हैं कि दादू तो काम करने के नहीं है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको ओल्ड एज होम भेज देंगे ना। तो इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं कि घर के सारे काम दादू से ही करवाया करो। बेटा कल आप अपने मम्मी पापा को लेकर स्कूल में आओगे। लेकिन सर पेटीएम तो नेक्स्ट मंथ है ना? मुझे पता है पेटीएम अगले महीने है, लेकिन मैंने बोला ना कल आप अपने मम्मी पापा को लेकर आओगे। ओके सर। नाउ गो। चलो ना तो। हाँ बेटा चलो। सर आपने हमें अचानक बुलाया, हमारे बेटे की कोई कंप्लेंट है क्या? उसने कोई शैतानी की है क्या? नहीं नहीं, राघव ने कोई शैतानी नहीं की है, मुझे आप लोगों से बात करनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। आप एक काम कीजिए, ये कुछ लिस्ट है, आप एक बार चेक कर लीजिए दोनों। सर ये किस चीज़ की लिस्ट है? दरअसल ये हमारे शहर में जितने भी ओल्ड एज होम है उसकी लिस्ट है। अरे सर ओल्ड एज होम की लिस्ट आप हमें क्यों दे रहे हैं? आप लोग चेक कर लीजिए जो ओल्ड एज होम आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को जाना पड़ेगा ना वहाँ पर। अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, हम भला क्यों जाएंगे ओल्ड एज होम? क्योंकि आपका बेटा आपको वहाँ भेजेगा। राघव, बट सर वो ऐसा क्यों करेगा? अभी नहीं, कुछ सालों बाद की बात कर रहा हूँ, जब राघव बड़ा हो जाएगा तब वो आपको वहाँ भेजेगा ना। सर क्या मजाक चल रहा है ये सब, स्कूल में बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, और आप हमारे बच्चों को ये सब सिखाएंगे कि वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दे? देखिए मिस्टर सिंह, स्कूल से ज़्यादा ना एक बच्चा अपने घर पर रहता है, और वो अपनी सारी अच्छी बुरी आदतें, अपने संस्कार अपने घर से ही सीखता है। ये सब राघव को हम नहीं सिखाएंगे, बल्कि आप लोग सिखा रहे हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए, बातें मत घुमाइए। राघव मुझे कल मिला था स्कूल के बाहर, जब उसके दादाजी उसको लेने आए थे, और मैंने देखा कि वो किस तरह से अपने दादाजी को ट्रीट करता है, किस तरह से उनसे बात करता है। आपको क्या लगता है उसने ये सब कहाँ से सीखा होगा? आप लोगों से ही सीखा होगा ना, जिस तरह से आप अपने पिताजी के साथ व्यवहार करते हैं घर पर, वही सब राघव ने देखा होगा, और वही सब वो उनको बोलता है। मुझे माफ कीजिए लेकिन आप अपने पिताजी को क्या बोलते हैं, कि वो एक बूढ़े बैल हैं? राघव को ये लगता है कि उसके दादाजी घर पर सिर्फ काम करने के लिए हैं, क्योंकि आप लोग शायद राघव के सामने यही बातें करते हैं कि अगर उसके दादाजी घर का काम नहीं करेंगे तो उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी, ताकि उनके बच्चे अपनी लाइफ में कुछ कर सके, सेटल हो सके, और जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। किसी ने सही कहा है, घोर कलयुग आ गया, और इस कलयुग में एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा तो दूर, उनको फ्री में घर में रखना भी नहीं चाहता, घर में रखने के बदले उनसे घर का काम करवाना चाहता है। अरे माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, पूजनीय होते हैं माता पिता, और आप अपने पेरेंट्स को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? शर्मानी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को शायद अभी इस बात का पता नहीं चल रहा, लेकिन जब राघव बड़ा होकर आपके साथ ऐसा करेगा ना, तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या गलतियां की थी। देखिए मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर और आपकी इंसल्ट करूँ, लेकिन बुजुर्गों का जब मैं ऐसा अपमान देखता हूँ ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता। ये आप लोगों का घर का मामला है, और मुझे आपके घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, एंड आई होप कि आप जल्दी इस बात को समझ जाएंगे। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए, लेकिन हाँ इस बात को ज़रूर याद रखिए कि जैसे आप कर्म करेंगे ना, आपके साथ भी वैसा ही होगा। पर सर देखिए मुझे जो बोलना था आपको बोल दिया,
अब मैं आपकी कोई और बात नहीं सुनना चाहता, आप जा सकते हैं। अरे बेटा, अरे अरे नीचे कहाँ बैठ गए बच्चों, ऊपर बैठो ना। अरे इधर आओ ना। पिताजी आप हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने पूरी जिंदगी जाने अनजाने में आपको बहुत दुख पहुंचाया और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारा बच्चा भी आपकी इज्जत नहीं करता। हाँ पापा जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, अगर हमने आपकी इज्जत की होती तो आज राघव भी आपकी इज्जत करता, वो इस तरह से आपसे बात नहीं करता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जिस उम्र में बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में हम दोनों आपसे काम करवा रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, इधर आओ, आओ ऊपर आओ बेटा, आओ आओ, आओ, आओ। अरे दादू आपके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा बिल्कुल ठीक है। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप लेके जाओ। अरे चलो बेटा चलो आओ।